हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीपक कपूर और मैं आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा बिडिंग के बारे में। लास्ट वीडियो मैंने आपसे बजट ऑप्शन और ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में बात की थी, आई होप आपने उसको वीडियो को देखा हुआ। उसी के कंटिन्यूशन में ये बिडिंग का है जिसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो बिडिंग की बात करने से पहले मैं इस वीडियो का एक प्रीफेस सेट करना चाहूंगा जिसमें हम ये डिस्कशन करेंगे कि हम गूगल एड का हमारा करने का प्राइमरी रोल क्या है, प्राइमरी एडवांटेज क्या है जिसके लिए हम गूगल एड करते हैं। सो जनरली हम गूगल एड करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, हम अपने बिजनेस के साथ प्रॉफिट करना चाहते हैं इसलिए हम अपनी एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं। इसलिए ये गोल आप हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि हमें प्रॉफिट लेना है अपने बिजनेस का, ठीक है? क्योंकि आने वाले वीडियो इस वीडियो में और आने वाली वीडियो में हम कपल ऑफ ऐसे ऑप्शन की बात करेंगे जिसमें हमारा ये गोल हमें ध्यान में रख के ही सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, अदरवाइज हमारा पैसा बर्निंग की तरह खत्म हो जाएगा, एकदम स्पीड में सारा खत्म हो जाएगा जिससे हमें रिजल्ट भी नहीं मिल सकते हैं। तो ऐसे भी ऑप्शन कुछ हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल डिस्कशन करते हैं बिडिंग के बारे में। बेसिकली बिडिंग क्या होता है, जिसमें हम गूगल का एक सेट ऑफ प्रोसेस है जिसमें हम अपनी एड्स को एक सर्टेन पोजीशन पर दिखाते हैं जिसमें गूगल हमें एक सर्टेन अमाउंट का चार्ज करता है। अब ये चार्ज करने का प्रोसेस एक अलग अलग तरीके से होता है। मान लीजिए गूगल के पास 3 एडवर्टाइजर आए हैं जो किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे अपनी एड को दिखाना चाहते हैं या पर्टिकुलर क्वेरी पे अपनी एड को दिखाना चाहते हैं एक सर्टेन पोजीशन पे। कीवर्ड क्या होता है हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे, बट आप अभी क्वेरी समझिए जिस क्वेरी पे मेरी एड ट्रिगर होगी गूगल में। तो उस कीवर्ड पे ऐड दिखाने के लिए मैं, मान लीजिए गूगल कहता है कि एडवर्टाइजर ए मुझे कितने पैसे देगा, एडवर्टाइजर बी कितने देगा, एडवर्टाइजर सी जो है वो कितने देगा, तो जो सबसे ज्यादा पैसे देगा उसकी ऐड गूगल टॉप 1 पे दिखाएगा अभी के लिए। और भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं बट अभी एक प्राइसिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इसलिए हम सिर्फ अभी बिडिंग को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? आने वाली वीडियो में अदर फैक्टर को भी डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे ज्यादा पैसे देगा उसकी गूगल में ऐड टॉप में दिखाई देगी, जो सेकंड नंबर पे ऐड देगा उसकी ऐड सेकंड पे दिखाई देगी, जो थर्ड पे ऐड देगा वो सबसे थर्ड पे आएगी। फॉर एग्जांपल पहला एडवर्टाइजर अगर ये कहता है कि मैं अपनी ऐड को टॉप में दिखाने के लिए ₹30 दूंगा और एडवर्टाइजर बी कहता है कि मैं ₹20 दूंगा, एडवर्टाइजर 1 कहता है कि नहीं भाई मैं सिर्फ ₹10 दूंगा, तो सबसे टॉप पे ऐड आएगी एडवर्टाइजर ₹30 देने वाले की, सेकंड पे आएगी ₹20 वाला और थर्ड पे आएगा ₹10 वाला। तो गूगल भी बिजनेस कर रहा है भाई, गूगल को भी सबसे ज्यादा पैसा चाहिए, तो गूगल अपने कीवर्ड्स की बेसिकली नीलामी करता है। जो सबसे ज्यादा बिडिंग करता है उसकी ऐड को ऊपर दिखाता है, जो बिडिंग लो करता है उसकी ऐड को नीचे। सो फर्स्ट थिंग, गूगल अपने कैंपेन में रिकमेंड करता है क्लिक्स। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो कपल ऑफ अदर ऑप्शंस भी आते हैं बट अभी हम क्लिक्स की बात करते हैं। सो सबसे पहले मैंने आपसे जो इस लेक्चर की प्रीफेस सेट किया था वो था आपका प्राइमरी गोल फॉर रनिंग अ गूगल ऐड, ठीक है? गूगल हम ऐड हम इसलिए करते हैं कि हमें बिजनेस चाहिए, प्रॉफिट चाहिए अपने बिजनेस के लिए। तो गेटिंग अ क्लिक इज नॉट अ गेटिंग अ बिजनेस ऑल्सो ऑलवेज मीन। अगर हमारी एड्स पे क्लिक्स आने हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमें बिजनेस भी उतना ही आ रहा है, ठीक है? क्लिक्स मेरे लिए एक तरह से वैनिटी, एक तरह से प्रमोशन का काम कर सकते हैं, लेकिन अंदर सटल वो वेबसाइट पे जाके फॉर्म ना फिल करें या जो मेरा कन्वर्जन का ऑब्जेक्टिव है वो ना करें तो, ठीक है? अदरवाइज मेरा पैसा सिर्फ वेस्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर मुझे दिन के 100 भी क्लिक आ गए और क्लिक से मुझे कोई बिजनेस नहीं आया तो मेरा पैसा सिर्फ वेस्ट है, ठीक है? या फिर वो ब्रांडिंग में यूज हो गया लेकिन मेरा जो गोल था वो पूरा नहीं हुआ। तो आने वाली वीडियो में हम सही तरीके का भी बात करेंगे लेकिन अभी हम सिर्फ गूगल के ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए एक क्लिक्स के लिए मैं गूगल में एक बिड सेट कर देता हूँ, यहाँ पे होता है मैक्सिमम सीपीसी फॉर बिड। सीपीसी का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक, और मान लीजिए एक क्लिक के मैं ज्यादा से ज्यादा गूगल को ₹50 देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 50 सेट कर दूंगा। अब एट सर्टेन कंडीशन, एट एनी कंडीशन, गूगल एक क्लिक के मुझे ₹50 से ज्यादा चार्ज कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने अपनी लिमिट सेट कर रखी है। अब ये मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम सीपीसी का मतलब है 50 से ज्यादा वो कभी जाएगा ही नहीं। हो सकता है एक क्लिक के ₹5 लगे, ₹10 लगे, ₹2 लगे, ₹15 लगे, ₹40 लगे, ₹49 लगे, लेकिन 50 से ऊपर वो नहीं जाएगा। ₹50 एक क्लिक के आपने सेट कर दिए, इसको बोलते हैं बजट। एक चीज जो मुझे गूगल की कभी अच्छी नहीं लगती वो रिकमेंडेशन सही नहीं देता है। कई बार रिकमेंडेशन बहुत अच्छी देता है पर मैक्सिमम केस में मैंने देखा रिकमेंडेशन की अच्छी नहीं होती है। अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करूँ तो इसमें लिखा होता है मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट इज एन एडवांस ऑप्शन। इसमें कुछ भी एडवांस नहीं है, सिर्फ आप गूगल को एक लिमिट दे देते हैं कि गूगल प्लीज इस लिमिट से बियॉन्ड मत जाना, मेरा बजट इतना ही है, मैं किसी भी क्लिक के लिए इससे ज्यादा पैसे नहीं दूंगा, बस इतना ही है। बट गूगल इसको एडवांस ऑप्शन बोलता है, ठीक है? तो अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें यहाँ पे क्लिक करके, तो यहाँ पे कन्वर्जन आ रहा है, कन्वर्जन वैल्यू भी आ रहा है। ये ऑप्शन हो सकता है आप अपनी वीडियो जब देख रहे हो आपके कैंपेन में ना दिखें, क्योंकि जब नए गूगल का अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमने गूगल एनालिटिक अटैच नहीं कर रखा होता, वेबसाइट अटैच नहीं कर रखी थी, हमने कुछ ऐड रन नहीं करी होती, गूगल को पता ही नहीं होता बेसिकली आपका कन्वर्जन क्या है और कन्वर्जन वैल्यू क्या है।
कन्वर्जन वैल्यू जनरली ई कॉमर्स में यूज होता है, किसी प्रोडक्ट की वैल्यू को कितनी है उसको डिनोट करने के लिए, और कन्वर्जन बेसिकली आपका एंड गोल। मान लीजिए कोई वेबसाइट में जाके आपका साइन अप फॉर्म भरता है, कोई ई कॉमर्स का प्रोडक्ट परचेज कर लेता है, कोई न्यूज लेटर सब्सक्राइब कर लेता है, कोई कॉल वाले बटन पे आपकी वेबसाइट पे जाके क्लिक कर लेता है, उसे आप कन्वर्जन काउंट कर सकते हैं। तो वो कन्वर्जन हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, बट अभी के लिए ये आपके लिए दोनों ऑप्शन अनअवेलेबल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपका अकाउंट नया है, थोड़ा एड रन करिए, पुराना करिए, वेबसाइट से गूगल एनालिटिक्स, यूट्यूब, दूसरे चीजें कनेक्ट करिए, तो जाके आपको ये दोनों ऑप्शन दिखेंगे। क्योंकि मैं अपना पुराना अकाउंट यूज कर रहा हूँ इसलिए मुझे दोनों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो मैं अगर इसके इंप्रेशन शेयर वाले ऑप्शन की बात करूं तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को लेकर जितने भी लोग रिसर्च कर रहे हैं उन सबके इंप्रेशन। इंप्रेशन आप जानती हैं, अगर कोई कीवर्ड या क्वेरी गूगल में टाइप होती है और उसमें अगर मेरी एड दिख जाती है तो उसे मैं इंप्रेशन काउंट करता हूँ, और अगर उस एड पे कोई क्लिक कर देता है तो उसे गूगल क्लिक्स काउंट कर लेता है, जिससे सीपीसी हमने अभी अभी डिस्कशन किया था। तो अगर मैं इंप्रेशन शेयर के ऑप्शन की बात करूं तो पहला ऑप्शन आना है एनीवेयर ऑन अ रिजल्ट पेज। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए मैं गूगल में टाइप करता हूँ क्लियर अलाइनर फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे कुछ एड दिखाई दे रही है, ठीक है। फर्स्ट पेज में मुझे तीन चार एड दिखाई दे रही है, पहला डेंस डेंटल है, प्रिस्टीन केयर है, एसी अलाइन है, और चौथा है न्यू वे ऑर्थोडोंटिक्स। और अगर मैं बॉटम में जाऊंगा तो बॉटम में भी कुछ ऐड दिखाएंगे नहीं मुझे, अगर एडवर्टाइजर रन कर रहे हैं तो। देखिए एक ही ऐड आ रही है, ठीक है। जिस बेसिकली ऐड को कैसे पहचानते हैं, जिसके साथ में ये ऐड लिखा होता है एडी उसे बोलते हैं ऐड, और जिसके साथ में नहीं लिखा होता वो हमारा ऑर्गेनिक रिजल्ट होता है। तो ये कैंडिड को का जो है ये रिजल्ट ऑर्गेनिक है, बट ये जो है ये ऐड है गूगल की। तो एनीवेयर इन रिजल्ट पेज में मतलब उस रिजल्ट में टॉप में कहीं पे भी या बॉटम में कहीं पे भी मेरी ऐड दिखा सकता है, अगर मैं पहला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं तो। दूसरे ऑप्शन में है टॉप रिजल्ट ऑफ द पेजेस, मतलब जिस भी कीवर्ड को मैं गूगल में टाइप करूंगा तो मेरी एड हमेशा टॉप में ही आएगी, बॉटम में नहीं आएगी। मतलब ये जो चार ऑप्शन आ रहे हैं हमेशा मेरी एड इन्हीं चार ऑप्शन में दिखाई देगी और किसी ऑप्शन में नहीं दिखाई देगी, बॉटम में नहीं जाएगी। और अगर मैं इसमें थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ जिसमें लिखा है एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट पेज, मतलब हमेशा मेरी एड टॉप में ही दिखाई देगी, बॉटम में कभी नहीं आएगी। तो ये थे तीन ऑप्शन। अगेन मैं अपने गोल्स को डिफाइन करूंगा कि गेटिंग इंप्रेशन इज नॉट अ गेटिंग अ बिजनेस। जितने मर्जी आप इंप्रेशन ले लीजिए और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है ना। मान लीजिए एक बार आपकी रिजल्ट एड टॉप में आ भी जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको बोलता हूँ ये मुझे डेंस सेंट्रल मुझे टॉप में दिखाई दे भी रहा और मेरा इसके पास इंप्रेशन चला भी गया, तो हमेशा तो टॉप में नहीं रहेगा। जब तक गूगल के साथ इसका क्रेडिट कार्ड अटैच है और बिलिंग साइकिल चालू है तब तक ये ऐड दिखाई देगी, और जैसे ही क्रेडिट कार्ड बंद होगा ये ऐड दिखनी बंद हो जाएगी। तो हमारा एंड गोल क्या होना चाहिए? हमारा एंड गोल जो जिसके लिए हमने गूगल स्टार्ट किया एज अ बिगनर एज अ एक्सपर्ट में भी, हमें बिजनेस लेके आना है या प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है। गेटिंग इंप्रेशन इज नॉट अ गुड डील टू डील विद बिजनेस, ठीक है। तो अगर हम और ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे आता है आप कितने परसेंट के ऑप्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ 65%, तो मार्केट में गूगल के पास जितने भी पर्टिकुलर एरिया में इंप्रेशन होंगे उसको 100% से डिवाइड करके गूगल 65% मुझे दिखा देगा। मैं इसको 100% भी कर सकता हूँ बट इसमें मेरा बजट बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा एनी विच वे, ये तो फिर भी ब्रांडिंग के लिए यूज हो रहा है, बिजनेस के लिए तो है नहीं। तो मैं कभी भी 100% रिकमेंड नहीं करता, मैं सिर्फ 20% रिकमेंड करता हूँ जिससे हमारी अच्छी खासी ब्रांडिंग हो जाती है और हमें रिजल्ट दिखाई दे जाता है। अभी 20% इंप्रेशन शेयर के लिए मैं मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट डाल देता हूँ, मान लीजिए 100 रुपए। तो इसमें क्या होगा, गूगल कभी भी इस लिमिट से ज्यादा पार नहीं जाएगा सिर्फ 20% इंप्रेशन के शेयर के लिए। मार्केट में कितने भी इंप्रेशन हो सकते हैं बट 20% इंप्रेशन शेयर मेरे पास 100 रुपए के सीपीसी में आ जाएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो गूगल नहीं देगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम उसकी जो बिड लिमिट होती है उससे भी कम डाल देते हैं तो फिर गूगल उसमें मेरी ऐड ही नहीं शो कराता, तो फिर हमें उसमें अपनी बिड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एक स्टैंडर्ड रेट भी होता है गूगल का जो उसने सेट कर रखा है, उससे थ्रेशोल्ड वो नीचे नहीं जाता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कपल ऑफ और भी ऑप्शंस आते हैं, कन्वर्जन वैल्यू, वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एनालिटिक्स और वेबसाइट की कुछ जो जितना पुराना एड अकाउंट होता है उतना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि गूगल को उस पर ट्रस्ट होता है ना, उसको पता होता है कि आपकी कन्वर्जन क्या आएंगी और आपके लिए कन्वर्जन क्या है। बेसिकली गूगल को ये पता होता है कि कौन सी वैल्यू आपके लिए वैल्यूएबल है, कौन सी कन्वर्जन आपके लिए वैल्यूएबल है और कौन सी नहीं। बिडिंग के कुछ और भी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं गूगल एड्स में, जो कि गूगल ने अपने नए कैंपेन क्रिएट करते समय अपने हाइड कर दिए हैं। तो कुछ और भी ऑप्शन हैं हम कैंपेन में, अगर आप टूल्स एंड सेटिंग में क्लिक करेंगे और बिड स्ट्रेटजी पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे ही मैंने बिड स्ट्रेटजी वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा तो मुझे मेरे बिडिंग के कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये फर्दर जो सारे ऑप्शन है ये पहले कैंपेन क्रिएट करते समय दिखाई देते, अब हमें यहाँ पे अलग से टूल्स एंड सेटिंग में
बिट स्टडी वाले ऑप्शन में ही दिखाई देते हैं जो कि कैंपेन में यूज किए जाते हैं। जैसे हम इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमें बिडिंग के कुछ अलग से भी ऑप्शन मिलेंगे, जैसे टारगेट सीपी हो गया, टारगेट आरओएस हो गया, मैक्सिमाइज क्लिक हो गया। एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।